हेलो एंड वार्म वेलकम टू सर जी। बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांव से हैं, पिछड़े इलाकों से हैं या छोटे शहरों से हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सर आईआईटी में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितने साल मुझे कोचिंग करना पड़ेगा। और बच्चों, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे गाँव से होते हैं, छोटे शहरों से होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, तो उन बच्चों के पास एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि उनके पास पैसे की समस्या होती है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि मुझे कितने साल कोचिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को पूरी जानकारी मिलने वाली, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप पूरी तरीके से जान पाएंगे हर एक डिटेल को। तो बच्चों देखो, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, बच्चे अलग अलग स्टेजेस पे क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो साल होती है कोचिंग करने की वो अलग अलग होती है। जो बच्चा टेंथ के बाद तैयारी करता है, जो बच्चा आईआईटी के लिए टेंथ के बाद तैयारी करता है, तो उसके पास इलेवेंथ है, ट्वेल्थ है, और ट्वेल्थ के बाद एक साल है। तो वो बच्चा क्या करता है, मोस्टली टाइम 3 साल कोचिंग करता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इलेवेंथ करने के बाद और ट्वेल्थ करने के बाद, 2 साल तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सिर्फ क्या 2 साल की तैयारी में ही आईआईटी में चले जाते हैं। अब बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंथ के बाद ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो 3 साल या 2 साल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब वो बच्चे 11th पास कर लेते हैं, जब वो 12th में आते हैं, तो जब बच्चे वो 12th में आते हैं तो 12th में क्या करते हैं, आईआईटी जी कोचिंग कर लेते हैं। तो बच्चे क्या है, सिर्फ 1 साल कोचिंग करते हैं और कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, फिर 12th के बाद फिर से 1 साल कोचिंग और करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 साल कोचिंग करते हैं। तो बच्चे क्या है, 1 साल 2 साल कोचिंग ऐसे क्या है, कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में अपना सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें ना 11th से मतलब है, ना उन्हें 12th से मतलब है, उनको सिर्फ अपना क्या करना है, 12th में बोर्ड में मार्क्स अच्छे करने हैं और उसके बाद आईआईटी की तैयारी करना है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी की तैयारी 12th के बाद करते हैं। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 साल तैयारी करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन क्लासेस, बच्चे क्या करते हैं, या तो 1 साल तैयारी करते हैं, या 2 साल तैयारी करते हैं, या 3 साल तैयारी करते हैं। और बच्चों, जो फीस वगैरह होती है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। आपकी फीस 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आईआईटी कोचिंग की फीस होती है, और हर कोचिंग की फीस क्या अलग अलग होती है। तो इसलिए अगर आपको आईआईटी कोचिंग करना है, तो आपको मैंने पूरी जानकारी प्रोवाइड किया कि कोचिंग आपको कितने साल करनी होगी और किस स्टेज पर हो आप 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो या 12th पास कर चुके हो, उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए हो कि आपको कितने साल कोचिंग करनी पड़ेगी। और इसके संबंध में आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।